हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ट्रस्टेड ऑप्शन सिग्नल एकेडमी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर डेवलपमेंट के बारे में जो काफी इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर सकता है। हम डिस्कस करेंगे हीरो मोटर्स के 900 करोड़ रुपीस आईपीओ के विड्रॉल के बारे में। हीरो मोटर्स जो एक प्रोमिनेंट ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है, इसने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को वापस ले लिया है, यानी DRHP को वापस ले लिया है, और इसके इम्प्लीकेशंस समझना हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। हीरो मोटर्स जो पंकज मुंजल के लीडरशिप में एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने अगस्त 2024 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड को इंडिया को अपना 900 करोड़ का आईपीओ प्रपोजल सबमिट किया है। ये आईपीओ दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स वर्थ रुपीज 500 करोड़ और 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, जो हीरो मोटर्स के प्रमोटर्स ने ऑफलोड करने का प्लान किया था। प्रमोटर्स में ओपी मुंजल होल्डिंग्स का 250 करोड़ रुपए, भाग्योदय इन्वेस्टमेंट्स और हीरो साइकिल्स का 75 करोड़ रुपए स्टेक सेल इन्वॉल्व था। फ्रेश इश्यू का मेजर पोर्शन कंपनी के डेब्ट्स रीपे करने, नोएडा फैसिलिटी एक्सपेंड करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज होने वाला था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हीरो मोटर्स ने आईपीओ विड्रॉ क्यों किया? जब कंपनी DRHP फाइल करती है तो वो एक डिटेल्ड प्लान होता है, लेकिन मार्केट कंडीशंस को देखते हुए कभी कभी कंपनीज अपने आईपीओ प्लान्स को रीथिंक करती हैं। हीरो मोटर्स ने कुछ स्पेसिफिक रीजंस तो अब तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे सिनेरियोज में दो मेजर फैक्टर्स होते हैं। तो पहला है मार्केट सेंटिमेंट्स। जब ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट वीक होता है तो कंपनीज आईपीओ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं देखते। हीरो मोटर्स ने शायद अभी करंट मार्केट वोलेटिलिटी को देखते हुए अपने आईपीओ प्लान्स को होल्ड करने का डिसीजन लिया है। एंड सेकेंड है वैल्यूएशन कंसर्न्स। जी हाँ, कभी कभी प्रमोटर्स को लगता है कि जो वैल्यूएशन आईपीओ के थ्रू मिल रही है वो कंपनी के पोटेंशियल को फुली जस्टिफाई नहीं कर रही। इस केस में ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि कंपनी बेटर वैल्यूएशन का वेट कर रही हो। दोस्तों, अगर हम हीरो मोटर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो ये कंपनी काफी इम्प्रेसिव नंबर्स दिखाती है। जी हाँ, कंपनी के रेवेन्यूज 914 करोड़ थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो कि 1064 करोड़ तक बढ़ गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो एक सॉलिड ग्रोथ को दिखा रहे हैं। इस पीरियड में ग्रॉस प्रॉफिट भी 281 करोड़ से 419 करोड़ तक पहुंचा, तो एक हेल्दी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिली जो कि 22% को रिफ्लेक्ट करती है। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रही है। ग्रॉस मार्जिन भी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 30.78% से इंप्रूव होकर 2024 में 39.40% हो गया, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। वैसे देखा जाए तो हीरो मोटर्स का काम काफी सिग्निफिकेंट है, स्पेशली जब बात पावर ट्रेन सॉल्यूशंस की होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सॉल्यूशन में सप्लाई करती है OEMs, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को अक्रॉस इंडिया, US और यूरोप। इसका मतलब ये है कि हीरो मोटर्स का क्लाइंट बेस काफी डाइवर्सिफाइड है, जो कंपनी के बिजनेस को एक्सटर्नल फैक्टर के अगेंस्ट एक कुशन देता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और हीरो मोटर्स का ये एक्सपर्टीज इस ग्रोइंग मार्केट का फायदा उठाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव्स की। आईपीओ के विड्रॉल का क्या मतलब होता है? जब एक कंपनी आईपीओ विड्रॉ करती है तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स दोनों पर पड़ता है। पहली चीज जो इन्वेस्टर्स को ये समझनी होगी वो ये है कि आईपीओ विड्रॉल का मतलब कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स का एंड बिल्कुल नहीं होता है। हीरो मोटर्स एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और अगर कंपनी ने आईपीओ विड्रॉ किया है तो इसका रीजन मार्केट कंडीशंस या फिर वैल्यूएशन के कंसर्न हो सकते हैं, not necessarily the company's operational performances. अब बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में ये न्यूज इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, तो ये सिर्फ एक टेम्पररी ब्लिप हो सकता है। अब अगले कुछ महीनों में हीरो मोटर्स के प्रोस्पेक्ट्स कैसे होंगे,
ये आपको बताते हैं। तो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स स्पेशली नोएडा फैसिलिटी को अपग्रेड करने के लिए काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। जो भी फ्रेश इंश्योरेंस पैसा आता है वो डेब्ट रिपेमेंट और वर्किंग कैपिटल को फंड करता है। अब जब आईपीओ विड्रॉ हो गया है, कंपनी को अपने एक्सपेंशन और डेब्ट रिपेमेंट प्लान्स को इंटरनली मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये भी देखना जरूरी होगा कि अगले कुछ महीने में कंपनी कैसे अपनी स्ट्रैटेजी गोल्स को पूरा करती है, इसको परस्यू कर पाती है। इस आईपीओ विड्रॉल से इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा लेसन ये मिलता है कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस और टाइमिंग ही सब कुछ है। कभी कभी एक आईपीओ का विड्रॉल या फिर डिले पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब कंपनी बेटर मार्केट कंडीशंस का वेट करती है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने का चांस भी ले रही होती है। और अगर आपको लगता है कि एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ऐसे टेम्पररी सेटबैक्स को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। हीरो मोटर्स का केस एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कभी कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट टर्म मार्केट मूव्स के मुकाबले। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया हीरो मोटर्स के 900 करोड़ के आईपीओ विड्रॉल के बारे में, इसके रीजंस जाने, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और आईपीओ के विड्रॉल का इंपैक्ट भी मैंने आपको बताया। मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना हमेशा इजी नहीं होता है, लेकिन अगर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको और भी ट्रेडिंग स्टॉक अपडेट्स चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो फटाफट से हमारे ऑप्शनल ट्रेडिंग चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आप अपडेट रहेंगे स्टॉक मार्केट की हर न्यूज से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना ना भूलेगा अपने ट्रेडिंग मार्केट वाले फ्रेंड्स के साथ। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।